देखिए इस लड़के को दोस्तों, ये क्या लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आप लोगों को पता है कि घड़ी में बज गए हैं 6 और मेरा व्लॉग आ चुका है। जी हाँ, मैंने चैलेंज लिया है अपने आप से, खुद से, कि 1 साल तक के यानी 365 दिन लगातार मैं एक व्लॉग डालूंगा शाम के 6 बजे। और देखते हैं कि साल भर में कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। और अगर नहीं मिलती है तो फिर कुछ सोचा जाएगा, मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगी। वैसे लगता तो ऐसा है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज वो उमराव मॉल वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। जो आपको याद है कि मैं अपने लिए एक पैंट लेके आया था जो कि छोटी पड़ गई, साइज़ उसका छोटा पड़ गया, तो आज चलते हैं वो काम करते हैं, तो आपको ले चलते हैं, उमराव मॉल भी घुमा देंगे। मौसम आज भी शहर का काफ़ी औसम है, चलते आइए। तो अच्छी खबर ये है कि बस कुछ दिन और फिर से वापस रूमी गेट अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी इसका काम, इसकी मरम्मत जो थी वो पूरी हो रही है धीरे धीरे, और फिर से रास्ता ओपन हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। दोस्तों एक बार हम फिर से आ चुके हैं उमराव मॉल, और इस बार आपको घुमाएंगे उमराव मॉल। और ये मेरे हाथ में मेरी पैंट, देखते हैं कि आज काम होता है कि नहीं होता है। फिलहाल चलते हैं सीधा स्मार्ट बाज़ार के अंदर और आज काम ख़त्म करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गाड़ी बाहर लगा दिए, उमराव मॉल ज़बरदस्त मॉल है। अभी अंदर से आपको इसके नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ से ये गाड़ी पार्किंग के लिए रास्ता गया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी बाहर ही पार कर दी है, और ये नज़ारा तो देखते ही बनता है। हर तरफ मेरे शहर लखनऊ का ये नज़ारा तो आपको हर तरफ मिलेगा, और ख़ूबसूरत नज़ारा। वालेकुम सलाम मेरे भाई, इसको पकड़ो। अल्लाह का शुक्र, दुआएँ हैं भाई आपकी। आप कैसे हैं? ठीक है। आप भी ठीक हैं भाई? चलिए, तो ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं मोहब्बत देने वाले, सलाम दुआ हो जाती है रास्ते में। यहाँ डोमिनोज भी है लेकिन खाएंगे नहीं, पेट भरा है। फिलहाल सीधा स्मार्ट बाज़ार के अंदर चलते हैं और आज तो कुछ भी हो जाए। कल तो काम हुआ नहीं था लेकिन आज काम हो के रहेगा। ये स्मार्ट बाज़ार भी आपको साथ ही साथ घुमाएंगे, लेकिन सबसे पहले भैया सीधा हम आ चुके हैं स्मार्ट बाज़ार के अंदर। और एक भाई ने बहुत अच्छा रास्ता बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए काउंटर पे और वो आपको डुप्लीकेट बिल निकाल के देंगे, क्योंकि नंबर तो मैंने दिया था जिस वक्त बिल मेरा निकल रहा था। तो आइए चलते हैं सीधा काउंटर पे। काउंटर किधर है तुम्हारा? आगे से राइट। तो आइए सीधा चलते हैं काउंटर पर और डुप्लीकेट बिल निकलवा के जल्दी से काम ख़त्म करवाते हैं, क्योंकि बहुत परेशान हो चुका हूँ, 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। वैसे परेशान तो नहीं हुआ हूँ, सब कुछ मिलता है, गर्मी बहुत हो रही है इस वजह से। तो ये वो रहे कैश काउंटर जहाँ पे मैंने अपना बिल करवाया था, और सीधा पहुँचते हैं इनके पास और इनसे कहते हैं कि मेरा डुप्लीकेट बिल निकाल के जल्दी दो। देखते हैं कि कौन वाला फ्री है। ये आला खाली है, इसी से बात कर लेते हैं, रुक जाओ। ये 560 रुपये की पैंट मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। उसकी वजह ये है कि आज भी चेंज नहीं हो पा रहा, आज इनका सर्वर डाउन है, कल मैनेजर मीटिंग में थे, आज सर्वर डाउन है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलिए कोई नहीं, अपना व्लॉग तो पूरा करते हैं, आपको घुमाते हैं हम उमराव मॉल, और शुरुआत यहीं से कर देते हैं। तो ये वो ऑफ़र चल रहा था जहाँ से मैंने कुछ पैंटें ली थी, 25% का ऑफ़र है गट ऑन MRP पे। इस तरह की मेरी ये पैंट थी, और नहीं इसमें की नहीं ली थी, इसी में की मेरी पैंट थी जो कि साइज़ आ नहीं पा रहा है, तो अब शायद आज भी काम नहीं हो पाएगा, कल काम होगा जैसा कि हमारे ये भाई ने बताया। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई आपका? अल्तमश। कहाँ रहते हैं आप? 1090 पास भाई रहते हैं और वीडियोस भी हमारी देखते हैं, तो भाई ने बहुत मदद की, शुक्रिया भाई। तो आओ चलते हैं मॉल के अंदर। किधर से रास्ता मॉल का करीब पड़ेगा? इधर ही यही है। तो आइए सीधा आपको मॉल ले चलते हैं, स्मार्ट बाजार क्या ही दिखा है, हर शहर में स्मार्ट बाजार है, आप जाके घूम लीजिएगा, मैं आपको उमराव मॉल घुमा देता हूँ। तो ये है उमराव मॉल के अंदर जाने का मेन रास्ता, तो आइए चलते हैं सीधा आपको अंदर लेके चलते हैं। मैं तो यहाँ पे 4थी या 5वीं बार आ रहा हूँ, लेकिन आपको आज पहली बार मैं घुमा रहा हूँ उमराव मॉल। और ये देखिए यहाँ पे शाहरुख खान बनने का टाइम आ चुका है, सीधा आ चुके हैं अंदर। जैसे ही अंदर एंट्रेंस होम का एंट्री करेंगे तो आपको दिखाई देगा बड़ा बड़ा बर्गर किंग जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके बाद न्यू मेरो यूनो का शोरूम जहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है। चलो आओ देखते हैं भाई, 50% ऑफ है यहाँ पे, 50% ऑफ चल, वीडियो नहीं अलाउड है, तो इनकी वीडियो यहाँ पे बनाना अलाउड नहीं है, तो कहीं और चल के हम लोग खरीदारी करेंगे, जब यहाँ पे अलाउड नहीं है तो कोई बात नहीं। ओ हॉरर हाउस सेकंड फ्लोर, यहाँ भी खुल गया। हाँ यहाँ भी खुल गया हॉरर हाउस। तुम क्या बांट रहे हो? वालेकुम सलाम, बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या SBI वाले क्रेडिट कार्ड बनवा रहे होंगे भाई? क्यों
क्रेडिट बाल भाई बनवा रहे हैं फिलहाल। और बात करें इस गाड़ी की, तो परसों मैं अपने शाह को लेके आया था यहाँ, और मैंने वेडनेसडे को जिस दिन मैं यहाँ से ख़रीदारी कुछ करके गया, घूम के गया, तो शाह को इसमें बहुत मज़ा आया था। मैं एक क्लिप लगा दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। शाह को इस गाड़ी में बैठाला था मैंने, बहुत मज़ा आया था। यहाँ से हम लोग ने पॉपकॉर्न खाए थे, बैरिस्टा से हम लोग ने आइसक्रीम खाई थी, और सबवे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाइनीज़ वोक छोटा सा है मगर काफ़ी खूबसूरत मॉल है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए, वाओ, आज जो है संडे का दिन, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पे आपको आज देखने को मिलेगी। संडे की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। चाइनीज़ वोक में भी काफ़ी अच्छे आइटम और सस्ते कम प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे। रिलायंस डिजिटल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब हम लोग चलेंगे सीधा एक्सीलेटर से ऊपर। बहुत ज़्यादा शोर है, उसकी वजह ये है कि क्या है, थिएटर ऊपर, इसकी वजह से शोर है। यहाँ पे आपको एनी हेयर कट 199, पहले 99 था, 199 हो गया है, यानी बाल आप कटवाइए 199 रुपए में। अंदर लेडीज काम हो रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे आप मेहंदी भी आके अपने हाथों में लगवा सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार टैटू स्टूडियो मेहंदी आर्ट। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, रेहन गाय की आ रही है जी। हाँ, उस गेट से हम लोग अंदर आए थे और अभी इधर आ गए। गाय की खुशबू या कॉर्न जंक्शन की खुशबू आ रही है, यानी इसकी आ रही है खुशबू, कॉर्न जंक्शन। एंड फॉलोइंग तुम्हारे भाई की बढ़ गई है रियाना में, ऐसा लग रहा है। जगह जगह लोग बहुत मिल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी काफ़ी सारे लोग मिले, कई सारी सेल्फियाँ ली। और अब चलते हैं फिर से एक बार ऊपर। खराब तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब एक्सीलेटर ख़राब होता है। जब आप मॉल के अंदर इंटर करते हैं, आप एक्सीलेटर पर चलते रहते हैं, और फिर जब ये ख़राब हो जाता है तब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है, क्योंकि आपको मेहनत करके ऊपर आना होता है, जैसे कि हम लोग आए हैं इस वक्त। यहाँ पे 99 रुपये में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है सॉरी वी आर क्लोज्ड फॉर टुडे, ये आज के लिए बंद है, संडे है शायद इसलिए बंद होंगे फिलहाल। उमराव माल के अंदर जो आपका PVR क्या है यहाँ पे, आइनॉक्स है, यानी ये आइनॉक्स जो आप देख रहे हैं थिएटर मल्टीप्लेक्स, वो उमराव मॉल का ये है। यहाँ से उसका एंट्रेंस है और ये टिकट घर है इनका, मतलब टिकट यहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों, इस मॉल की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे बम्पर कार्स, जी हाँ, ये वही कारें जो आपस में लड़ती हैं और चिंगारियाँ निकलती हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे ये कार जो है काफ़ी अच्छी वाली लग रही है, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं लग रही है मुझे। तो ये उमराव मॉल का आखिरी फ्लोर है, यानी अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ ये अच्छा था। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस सारी पब्लिक जैसे लग रहा है कि यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट की चीज़ें हैं। यहाँ पे आप आके अपना आराम से टाइम पास कर सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों पे, जैसे आप देख सकते हो 90 VR गेम, इसको आँखों पे लगाने से ऐसा लगता है कि आप उसी दुनिया में पहुँच गए हो जो ये दिखाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, कसम से बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाहर का काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से भाई। यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वाला जो आप गेम देख रहे हो, ये भी बहुत ही यूनिक लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लगेगा इसको थ्रो व्रो मारने पे। और मगर ये अभी कोई खेलने वाला नहीं है और मैं तो फिलहाल नहीं खेल रहा हूँ। और ये इनका गेम जोन है, यहाँ पे बच्चे बड़े सब आके अपना गेम खेलते हैं। ये देखिए, मात्र यहाँ के जो गेम के खेलने की स्टार्टिंग, वो सिर्फ 300 रुपये। उनके पास एक गेम और भी बहुत ज़बरदस्त है, ये मोबाइल जीतने वाला गेम, ये मैंने देखा था लास्ट टाइम। आप यहाँ पे मोबाइल जीत सकते हो, एयरपॉड जीत सकते हो, ये भी गेम ज़बरदस्त था। लास्ट टाइम मैं आया था, मैंने सोचा था खेलूँगा लेकिन नहीं खेला। और भी एक बार क्रिकेट भी चल रहा है, क्रिकेट दिखा देता हूँ आपको। और ये चचा ने बहुत ही खूंखार शॉट लगा दी है इसी के साथ। हम लोग दोस्तों जा रहे हैं वापस, और टाइम है अपनी वो पैंट वापस उठाने का जो वापस नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग सीधा स्मार्ट बाजार के पास ही निकले हैं। तो इनसे भाई से, भाई वो दे दो मेरा बैग, बैग दे दो मेरा बैग,
वो ब्लैक पन्नी रखी है। हाँ हाँ ब्लैक पन्नी, काम हुआ ही नहीं यार। हाँ काम हुआ ही नहीं, सर्वर डाउन है ना तुम लोगों का, सर्वर डाउन है। चलो देख लो वही है। तो फिलहाल इन्होंने इसको काफी अच्छे से पैक कर दिया है, लेकिन अब हम लोग को बाहर जाना है। दोस्तों उम्मीद है कि ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, आपने मेरा साथ साथ उमराव मॉल भी घूम लिया। और ख़त्म करते हैं अब इस व्लॉग को, कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे एक नए व्लॉग के साथ। याद रखिए डेली 6 बजे एक व्लॉग आता है, तो ज़रूर देखा कीजिए। और कल फिर कहीं नई जगह चलेंगे आपको लेके, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और फिर मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।